नमस्कार, विराट के बघेले बुलेटिन में स्वागत है। हम हैं पूजा। बात करे थे मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री बिसाहूलाल के, जौन अपने बयान के कारण विवाद में फंस गए। शिवराज सिंह सरकार माही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल गुरुवार का एक कार्यक्रम माही महिला अधिकारन के बात करत समय कहिन के ठाकुरन के घरे के महिलन का घरे से निकाल के काम करवावे चाही, जौने से समाज माही समानता बनी रहे। साथ में यह कहीं के बड़े बड़े लोग अपने घरे के औरतन का कोठरी में बंद रखा था, बाहर निकलाई नहीं दें। मंत्री जी के इतना कहते महिला अधिकार पर बहस का हवा मिल गई। साथ ही साथ बिसाहूलाल के बयान में इतना विवाद गहरान कि सोशल मीडिया में लोग उनके इरादा में सवाल उठाएं और ठाकुरन के अपमान बताएं। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के और कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कर यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए। आज और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए। और जितने बड़े बड़े ठाकुर आकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर निकले तो पकड़ के बाहर निकाल। अपने रीबो माँ ये बयानबाजी से नाराज महिला ने विरोध करी और मंत्री के पुतला जलाई। देखिए वीडियो। और अब बात करे थे बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के, जो अपने नए विवाद के कारण उन सुर्खियां बटोरल रहा। अब कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल भरा रहा, जौने माही दोनों पक्षन से बराबर गारी दिन गई रही। पहले था वर्षा सिंह नाम के युवती कलाकार पर छेड़छाड़ के आरोप लगाई, जौने माही सैलू शर्मा फेसबुक में लाइव आई के सफाई दी। ओखे बाद आरोप लगवावे वाली वर्षा के ऊपर मनोज सिंह नाम के युवक ने युवती पर गंभीर आरोप लगाई। खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जो कौनो राजनीतिक न हो के अविनाश तिवारी का मिली ख्याति से नाराज टीम के लोगन के द्वारा रची साजिश ज्यादा लागत थी। खैर, आजकल बघेली कलाकारन के कला के जगह गाली गलौच और धमकी के बौछार हो रही है, जौन के आजकल चर्चा के विषय बना है। बघेली कलाकारन के यह विवाद कौनो बड़ा रूप न ले एके खातिर पुलिस प्रशासन का कार्रवाई करे पड़ी, जौने से नखरत बघेली कलाकार कौनो दलदल मा न फंस जाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे युवक पुलिस पर कार्रवाई न करे के आरोप लगाए। पीड़ित दिनेश कोल का, जौन के बिलवा के निवासी हैं, ओके साथ गामय के छोटू द्विवेदी और राजकुमार यादव अपने साथी के साथ मिलके मारपीट तकरबे भे। ओके साथ उनके पत्नियों के साथ अश्लीलता करी। नियरे के थाना में कार्रवाई नहीं भय, जेके लाने पीड़ित पुलिस अधीक्षक से अपने जान माल बचावे खातिर गुहार लगाई नहीं। सुनी पीड़ित का बताई। रात को 12 बजे दरवाजा तोड़ के और मुझे बांका से मारे। खबर सपना कह रही है, जहां एक कोचिंग सेंटर में घुस के बदमाश मारपीट के घटना का अंजाम दे दी। बदमाश टिकुरिया टोला के राजा विश्वकर्मा का कोचिंग से उठवाए के सड़क मलात और घूसा बरसाई। ए मारपीट के वीडियो कौनो बनाए के सोशल मीडिया में डाल दी। पुलिस अब FIR के आधार में आरोपी के तलाश में जुटी है। 24 घंटे के भीतर माल लोकायुक्त के टीम दूसर बड़ी कार्रवाई करी। जौने माही RC मिश्रा डिपो प्रबंधक पाठ्य पुस्तक निगम रीवा का 30,000 के रिश्वत लेत रंगे हाथ धर दबोचिन। बतावा जात है कि नरेंद्र कुमार मिश्रा का 7वां वेतनमान के लाभ देवावे खातिर उ रिश्वत के मांग करे रहे। खबर नई गढ़ी से है, जहां जायसवाल टोला मां युवक के कुल्हाड़ी मार के हत्या कई दिन।
जानकारी के अनुसार मृतक और हत्या करे वाले पड़ोसी रहे। खबर के अनुसार अवधेश साहू का रामावतार तब कुल्हाड़ी मार दीन जब वो शराब के नशा में हंगामा करत रह। खैर शराब पिए बहुत गलत चीज आए, केहू का न पिए जाए। देखी घटना हो गई, अवधेश तेली मारी, हमका पता नहीं चली। एक छोट को उनका भतीज हमका घर से बुलाई के लई आवा, अंत दिखेन तो एक लड़का पकड़े रहा, बाकी केव नहीं रहे। एजी कॉलेज तिराहा माँ दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर रही। वो मंदिर का नगर निगम प्रशासन बिना कोनो पूर्व जानकारी दिए तड़के 4 बजे जमींदोज कर दिन। वहाँ अब प्रशासन का ही लोगन के आक्रोश के सामना करत पड़ रहा है। स्थानीय लोग अब ज्ञापन कलेक्टर का सौंप के मंदिर के दोबारा बनवावे के मांग कर रहा है। देखी जनाक्रोश पर वापस जो है लोगों का जनसमूह बैठा, वहाँ पर रामायण शुरू हुई, सारा काम हुआ, प्रशासन वहाँ पहुँचा। मैं स्वयं था, टीआई साहब आपसे सब लोग थे, सब लोग के बाद जो है वो सबको स्थल जैसा बोला प्रशासन वैसा काम कर दिया और बात हुई थी हटा लिया। देखी रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।